करते हैं अभी, प्रेशर डाल रहे हो उसमें, प्रेशर डाल रहे हैं। आपको मालूम है ये कार के एसी में कैबिन फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं? ये ग्रेनाइटिंग का है, ये एक्सयूवी में जो दो पीस में आते हैं, i20 में दो पीस में आते हैं, ये सेलेरो का है, स्विफ्ट के आते हैं, एसी क्रेटा का आता है, सभी इसमें फिल्टर क्यों लगाए जाते हैं? फिल्टर इसलिए लगाए जाते हैं कि फर्स्ट प्रिकॉशन जो होती है, जो डस्ट फिल्टर करना है वो फर्स्ट प्रोसेस, बेसिक जो प्रोसेस होती है फिल्टर से ब्लॉक होगा डस्ट, ताकि फ्रेश एयर कूलिंग कॉइल के पास जाए। सेकंड, कूलिंग कॉइल खुद फिल्टर का काम करता है, क्योंकि जब मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है ना वहाँ, जैसे कूलिंग आती है तो वाटर फॉर्मेशन होता है, तो वो टाइम पर डस्ट पानी के साथ मिक्स होके बाहर निकल जाती है। अब बात ये कि फिल्टर जो होते हैं ना, ये एक तो ब्लोअर के पास लगाते हैं या फिर कूलिंग कॉइल के पास लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं ये आप खुद सोचो। जिसको मालूम है वो कमेंट्स में लिखो, जिसको नहीं मालूम तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखो। कैबिन फिल्टर जो ब्लोअर के पास लगाते हैं वो मैक्सिमम ड्राई रहता है और वो उसमें मॉइस्चर का परसेंटेज बहुत कम रहता है, जो बाहर इजीली निकल के क्लीन होकर लगा देते हैं। लेकिन जो कूलिंग कॉइल के पास जो फिल्टर लगता है ना, उसके मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लगता है, वहाँ मैक्सिमम फिल्टर हो जाता है एयर। इसलिए दोस्तों कूलिंग कॉइल के पास लगा फिल्टर बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है और ब्लोअर के पास के लगा फिल्टर लेट ब्लॉक होता है, क्योंकि वो ड्राई रहता है। सेकंड, बहुत से गाड़ी में मेश वाले आते हैं, वायर वाले फिल्टर आते हैं, उससे क्या होता है डस्ट तो ब्लॉक होती है लेकिन माइक्रो डस्ट जो होती है ना वो कूलिंग कॉइल के पास चल जाती है। हुंडई में ज़्यादा करके होता है ऐसा, तो माइक्रो डस्ट कूलिंग कॉइल कर जाके वो फिर ब्लॉक हो जाता है, सिर्फ लेट होता लेकिन ब्लॉक जरूर होता है। ये फिल्टर जो होते हैं ना टेक्नीशियन फ्रेंडली होते हैं, ब्लॉक हुआ तो भी गैस का काम निकलता, ब्लॉक और पार्ट चेंज करना है तो भी टेक्नीशियन को पैसा मिल जाता, यानी मैक्सिमम फिल्टर ये टेक्नीशियन के लिए इनकम सोर्स का कारण है। इसलिए दोस्तों जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिल्टर बदलाओ, फिल्टर बदलाओ, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। एयर फ्लो अगर ब्लॉक है फिल्टर बदला दो, फिल्टर बदलाने की ब्लॉक है तो कूलिंग कॉइल सर्विसिंग पे ले लो, और फिल्टर ख़राब है और तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिल्टर निकाल के फेंक दो, फिर कूलिंग कॉइल ब्लॉक हो जाएगा कुछ ड्यूरेशन के बाद। लेकिन बात यह है कि कस्टमर तो पूछ जाएगा पहले कि चलो एयर फ्लो क्लियर हो गया करके, लेकिन उसको बता दो कि जल्दी जल्दी फिल्टर बदलाओ, अगर नहीं बदलाते तो आप तो सेफ हो, कूलिंग कॉइल सर्विसिंग पे आ जाएगी, फिर काम मिल जाएगा। इस टाइप से ये सर्कल चलते रहेगा, सर्कल बोलने से साइकिल, ये चलते रहेगा। फिल्टर ख़राब होना, फिल्टर चेंज करना, फिल्टर ज़्यादा ब्लॉक हो गया कूलिंग कॉइल ब्लॉक हो जाना, कूलिंग कॉइल थोड़ा ब्लॉक होना फिर ज़्यादा ब्लॉक होना, फिर इसे सर्विसिंग पे लेना, और कोई भी स्टेप है एयर फ्लो ब्लॉक है तो मैक्सिमम कस्टमर का काम गैस चार्जिंग पे लो। कस्टमर को अपना होता नहीं है, काम होता है तब तक ही कस्टमर अपना है, प्रोफेशनल बनो, नहीं तो आप दूध के धूले बनते जाओगे। फिल्टर ख़राब है साफ करके लगा दिया और समझदारी की चार बातें बताओगे तो आपके सामने बेवकूफ़ कोई नहीं है एसी टेक्नीशियन में। इसलिए दोस्तों फिल्टर का काम जब भी निकलेगा कोशिश करो कि गैस चार्जिंग पे काम लो, वो इसलिए है कि ज़्यादा आइस फॉर्मेशन जो होता है कूलिंग कॉइल के पास एयर फ्लो नहीं आता है तो एक्सपेंशन वाले ऑयल के ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए पुरानी गैस निकाल के फेंक दो, नया गैस डाल दो, रिकॉलिंग मशीन है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एयर फ्लो का, एयर फिल्टर का जब भी काम निकलता है गैस चार्जिंग पे गाड़ी लेना चाहिए, तो ही एसी टेक्नीशियन मजे से ज़िंदगी जी सकेगा और पैसा अच्छा कमाएगा। नहीं तो कुछ नहीं, फिल्टर निकल के साफ करके लगाएगा, कस्टमर बोलेगा फिल्टर साफ किया, पैसे कहाँ से, 50 रुपये 100 रुपये दे देगा, वो वैल्यूएबल काम नहीं होता है। परफॉर्मेंस अच्छा दो लेकिन पैसा अपने तरीके से कमाओ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है।